सीतापुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम बरपारा में मनाया जा रहा है अखंड अष्ट प्रहरी नाम यज्ञ। आज पूरे भारतवर्ष में नवरात्र की धूम है। सनातन संस्कृति को मानने वाला हर व्यक्ति माँ दुर्गा की भक्ति में लीन है। इसी के अंतर्गत हर क्षेत्र में हर व्यक्ति कोई न कोई पूजा पाठ व कार्यक्रम कर रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम सीतापुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम बरपारा में देखने को मिला, जहाँ पर कोलता समुदाय द्वारा अखंड नाम यज्ञ का आयोजन किया गया है। कोलता समुदाय द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 अप्रैल को की गई थी और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 9 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इस समुदाय द्वारा इस कार्यक्रम में अपने इष्ट देव राधे कृष्ण और राम की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। कार्यक्रम में बहुत सारे भजन मंडली अपनी प्रस्तुति देते हैं। वो अपना समूह बना बनाकर गांव की गलियों में नृत्य करते हुए भगवान के भजन गाते हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यह कार्यक्रम बरपारा में रामनवमी के समय ही आयोजित की जाती है, जिसमें बरपारा के अलावा आसपास के दूरदराज के ग्रामीण सम्मिलित होते हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों ने बताया कि जी ये देखिए विश्व शांति के लिए है, अखंड अष्ट प्रहरी है, 24 प्रहरी भी होती है, लेकिन अपने अपने जितना सकते हैं हम लोग उसी तरह से ये अष्ट प्रहरी नाम है। अष्ट प्रहर का भगवान का भोग लगाया जाता है हर 3 घंटे में, और हरे नाम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का ये नाम जाप रहता है। अच्छा, मूलतः अखंड नाम यज्ञ हो रहा है विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए। इसमें अखंड नाम यज्ञ होता है क्या कि 24 घंटे का अखंड है, और उसके बाद पुनाहुति हुआ। अभी जैसे अन्य ग्रामों से भी आए हुए हमारे इष्ट मित्र बंधु बांधव कीर्तन प्रेमी जो हैं वो आए हुए हैं, वो पूरे नगर भ्रमण कर रहे हैं, आप भी देखे। और अभी जैसे उनका नगर भ्रमण समाप्त होता है, नगर कीर्तन समाप्त होता है, उसके बाद यहाँ दधि भंजन का कार्यक्रम होगा, पूर्णाहुति होगा, महाप्रसाद होगा, इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। कार्यक्रम है आपका जी, जो धार्मिक कार्यक्रम आज हो रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई है? ये हम लोग नहीं जानते इसको, नहीं बहुत पहले की बात है। नहीं, ये मैं कह रहा था जी, ये परसों शुरुआत हुई है, आज 3रा दिन है इसका जी। मतलब ये प्रोग्राम हर साल 3 दिन का होता है? जी हाँ, ठीक है। पिछले 2 साल बंद था कोरोना काल की वजह से। तो इसमें महाप्रसाद का विशेष महत्व है। महाप्रसाद का निर्माण पवित्रता को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी जानकार व्यक्ति द्वारा अपने पूरे शरीर को ढककर इसको बनाया जाता है ताकि अशुद्ध न हो। इस कार्यक्रम का संचालन पूर्ण विधि विधान से किया जाता है। इस पूजा में दही हांडी फोड़ का भी कार्यक्रम रखा जाता है तथा इसमें हवन पूजन का विशेष महत्व है। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं द्वारा पूर्णाहुति हवन किया जाता है। सीतापुर से भवानी सिंह की रिपोर्ट।